हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रीमियम तत्काल लाइव टिकट बुकिंग करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि आजकल इतना सर्वर डाउन चल रहा है कि तत्काल टिकट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, वो चाहे इजी रूट का हो या हार्ड रूट का हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे कि मैं अपना पैसेंजर का मास्टर लिस्ट चेक कर रहा था कि मैं मास्टर लिस्ट ऐड किया हूं कि नहीं, क्योंकि तत्काल के टाइम पर मास्टर लिस्ट कभी कभी शो नहीं होता है। ठीक है, तो मैं एक बार चेक कर लिया हूं। चेक करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे होम पेज में मैं बैंडिल टू छपड़ा एक प्रीमियम तत्काल टिकट बुक करने वाला हूँ 20 मई के डेट में। ठीक है, तो मैं प्रीमियम तत्काल सिलेक्ट कर चुका है। सिलेक्ट करने के बाद मैं सर्च कर दिया हूँ। ठीक है, इसके बाद आप टाइमिंग देख सकते हैं कि नीचे में 11 बज रहा है, पक्का 11 बज रहा है। ये स्लीपर का टाइमिंग है, मैं एक स्लीपर का टिकट बुक करना चाहता हूँ। ठीक है, तो आजकल तो आप जानते ही हैं कितना सर्वर डाउन चल रहा है, तत्काल टिकट करना मुश्किल हो गया है। और नॉर्मल टिकट तो मिलता है नहीं, दो चार महीने पहले ही बुकिंग हो जा रहा है नॉर्मल टिकट, और पता नहीं क्या हो रहा है। टिकट काउंटर, रेलवे टिकट काउंटर पर तो टिकट मिल रहा है तत्काल में, जैसे कि देख पा रहे हैं कि हमारा मतलब पहला पेज खुल चुका है और हम सियालदह बलिया एक्सप्रेस में टिकट बुकिंग करना चाहते हैं स्लीपर क्लास में। गाड़ी नंबर आप देख पा रहे हैं 13105। ठीक है, मैं स्लीपर क्लास में सर्च कर लिया हूँ। सर्च करने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि प्लीज़ वेट का लोगो शो हो रहा है, वो राउंड 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 सर्चिंग ले रहा है। ठीक है, प्लीज़ वेट, अभी 11:01 हो चुका है। आई होप कि मैं प्रीमियम तत्काल बुक कर पाऊँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये 99 सीट शो हो रहा है। ठीक है, शो होने के बाद मैं बुक नाउ पे क्लिक कर चुका हूँ सिलेक्ट करने के बाद। ठीक, इसके बाद देखते हैं क्या होता है। काफ़ी टाइम लग रहा है, प्लीज वेट, अभी भी प्लीज वेट शो हो रहा है। ठीक है, देखता हूँ क्या होता है। मेरे को तो उम्मीद कमी लग रही है, क्योंकि इस रूट में ट्रेन का जो सीट होता है काफ़ी जल्दी बुकिंग हो जाता है। देखिए, मेरा फाइल खुल चुका है, मैं अपना पैसेंजर का नाम ऐड कर ले रहा हूँ। जैसे कि मेरा मास्टर लिस्ट ऐड था, आप लोग तो देखें कि मेरा मास्टर लिस्ट पहले से ही ऐड था। मैं स्टार्टिंग में इसीलिए सबसे पहले मास्टर लिस्ट अपना चेक कर लिया कि मेरा मास्टर लिस्ट ऐड है या नहीं, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि मास्टर लिस्ट जो आपको टिकट बुकिंग के दौरान होता क्या है कि वो शो नहीं होता है, इसीलिए मैं मास्टर लिस्ट पहले ही चेक कर लिया। आप देख रहे हैं कि कस्टमर का नाम ऐड वगैरह करने के बाद, मैंने पैसेंजर डिटेल्स ऐड करने के बाद, मैं पेमेंट के बाद वो जो होता है भीम UPI सेलेक्ट करने के बाद जो कंटिन्यू होता है नेक्स्ट बटन करने के लिए, वहाँ पे मैं क्लिक करते ही आप देख पा रहे हैं कि मेरा पेज मतलब नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अनेबल टू प्रोसेस मतलब IRCTC का सर्वर डाउन के कारण ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, 11:02 हो चुका है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, अभी भी प्लीज वेट शो हो रहा है। ठीक है, क्या होगा, प्रीमियम तत्काल भी बुक कर पाते हैं कि नहीं। प्रीमियम तत्काल में आप सभी को पता होगा कि इसमें फेयर ज़्यादा देना पड़ता है तत्काल के मुताबिक, तो मैं फेयर ज़्यादा देकर भी टिकट बुक करना चाहता हूँ, कहीं भी सीट मिल जाए कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी पैसा लग जाए मैं पेमेंट करने के लिए रेडी हूँ। बट देखिए, आपके आंखों के सामने मैं पेमेंट भी करूँगा, टिकट बुक भी करूँगा, अगर टिकट कन्फर्म मिलता है तो सही है, अगर नहीं मिले तो क्या कर सकते हैं, मेरा बैड लक। ठीक है, तो देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। काफ़ी टाइम हो गया है, 11:03 हो चुका है, 11:03, अभी भी ये मेरा पेज जो है नेक्स्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, अभी भी प्लीज वेट ही शो हो रहा है, इसको क्या बोला जा सकता है ना, इसको तो मैं कट भी नहीं कर सकता क्योंकि मुझे टिकट चाहिए, और मैं इसको रिफ्रेश भी नहीं कर सकता, अगर रिफ्रेश मैं करूँगा तो ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, इसीलिए मैं इसको रिफ्रेश भी नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं भीम UPI से ही पेमेंट करना चाहता हूँ, इसलिए देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरा इंटरफेस आ चुका है। इसके बाद मैं कैप्चा फिल कर लेता हूँ, अनेबल टू प्रोसेस, एरर मैसेज आ गया। एरर मैसेज आने के बाद फिर भी ट्राई कर रहा है, भीम UPI से मैं पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेटीएम भीम UPI से मैं पेमेंट करता हूँ QR कोड स्कैनिंग करके। आप सभी को पता होगा कि मैं QR कोड से स्कैनिंग करके बहुत जल्दी टिकट बुक कर लेता हूँ, तो अभी भी 11:04 हुआ है, आई होप मैं टिकट बुक कर पाऊँ। पे एंड बुक पे मैं क्लिक कर चुका हूँ, देखता हूँ क्या होता है क्या नहीं। एरर, अभी भी एरर मैसेज, इनवैलिड रिक्वेस्ट ट्रांजेक्शन ड्रॉप्ड, अभी भी एरर मैसेज आ रहा है, पता नहीं बुक हो पाएगा भी या नहीं। अगर एक बार भी ये लॉग आउट हो गया तो फिर मेरा टिकट बुक कभी नहीं होगा, ना ही मैं लॉग इन कर पाऊँगा ना ही टिकट बुक कर पाऊँगा,
क्योंकि आप टाइमिंग देख पा रहे 11:04 प्लीज वेट सॉरी मैं देखें मेरा पेज लॉग आउट हो चुका, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो चुका। अब आप खुद बताइए कि आप मैं लॉगिन कर पाऊंगा, लॉगिन भी कर पाऊंगा तो क्या टिकट बुक कर पाऊंगा, टिकट नहीं मिलेगा मेरे को। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा ऑटोमेटिक लॉग आउट हो चुका है, ठीक है। तो आजकल इतना सर्वर डाउन चल रहा है, इतना सर्वर डाउन चल रहा है कि तत्काल क्या प्रीमियम तत्काल भी टिकट बुक करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं प्रीमियम तत्काल का टिकट भी नहीं बुक कर पा रहा हूँ। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। मैं इसी टाइप का वीडियो बनाते रहता हूँ, एनी टाइम लाइव वीडियो बनाता हूँ, तो चाहे नॉर्मल टिकट बुकिंग हो या तत्काल टिकट बुकिंग हो। सो आई होप कि आप सभी को हमारा यह जानकारी काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक पहुँच सके।